कल की मूवी में प्रभास के 10 डिफरेंट लुक होने से लेकर के 15 अलग अलग कैमियोज और इंडियन सिनेमा के सबसे बड़ी कास्ट होने तक के ऐसे ऐसे रूमर सुनने को मिल रहे हैं जो कि अगर रियल लाइफ में सच हो गए तो भाई हिस्ट्री की सबसे दमदार कमबैक होगा प्रभास का। रिसेंटली एक इंटरव्यू में मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने बताया कि फिल्म की स्टोरी महाभारत टाइम से लेकर के 2898 AD तक जाएगी, यानी कि 6000 सालों की स्टोरी हम लोगों को देखने को मिलेगी इस मूवी में। 6000 सालों पहले यानी कि 3102 BC में विष्णु जी के 9वें अवतार यानी कि श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और वहां से विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि तक के उस पूरे जर्नी को दिखाया जाएगा इस मूवी में। एंड नॉट जस्ट दैट, रूमर्स तो ऐसे भी है कि मूवी में प्रभास विष्णु जी के 10 अलग अलग अवतार में दिखाई देंगे, यानी कि मत्स्य, कुर्मा, वाराह, नरसिम्हा, यमुना, परशुराम, श्री कृष्ण एंड फाइनली कल्कि, इन सारे अवतार में वो दिखाई देंगे और इन 10 अवतार को प्रॉपर डिटेल एंड रिसर्च के साथ इस मूवी में दिखाया जाएगा। डिटेल से मेरा मतलब ये है कि श्री राम की जगह श्री राम ही रहेंगे, जीसस नहीं दिखाई देंगे। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और रूमर्स तो ऐसे भी है कि इस मूवी में दिशा पाटनी का एक अंडर वाटर सॉन्ग होने वाला है। वैसे इसके टीजर का फाइनल कट भी रेडी हो गया है जो कि 1:23 का होगा एंड जल्दी उसका रिलीज डेट भी अनाउंस कर ही दिया जाएगा। वैसे नाग अश्विन इस मूवी के प्रमोशन की स्ट्रेटेजी पूरी तरह से बना करके बैठे हुए हैं एंड महाशिवरात्रि के बाद से यानी कि 8 मार्च के बाद से इसका प्रमोशन भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एक रूमर तो ऐसा भी फैल रहा है कि इस मूवी में टोटल 15 कैमियोज होने वाले हैं, जिनमें से 8 कैमियोज जो होंगे वो हमारे हिंदू मैथोलॉजी के 8 इमोर्टल्स यानी कि चिरंजीवियों को दिखाएंगे, जिनमें से कुछ के तो नाम भी बाहर आ गए हैं। जो नाम बाहर आए हैं वो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसको पूरी तरह से कंफर्म मत समझना, अभी ये सिर्फ और सिर्फ रूमर्स ही, ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। जूनियर NTR परशुराम जी के रोल को प्ले करेंगे, नानी कृपाचार्य को, राणा रघुपति हनुमान जी को, दुलकर सलमान विभीषण को, SS राजामौली वेद व्यास और एक को तो ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया है, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा। सबके अलावा भी और भी कुछ एक्ट्रेस के कैमियो के रूमर्स हैं, जैसे कि विजय देवरकोंडा एज राजा बली, रामगोपाल वर्मा एज जामवंत। और इस तरह से ये मूवी इंडियन सिनेमा की सबसे हेवी कास्ट वाली मूवी बन गई है और शायद इसी वजह से इस मूवी को 9 पार्ट्स में बनाने के रूमर्स भी सुनने को मिल रहे थे, जिन पर मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। देखो 3-4 पार्ट्स तक तो मैं चलो फिर भी एक बार को मान लूंगा कि 3-4 पार्ट्स तक की प्लानिंग कर रखी है इन लोगों ने, लेकिन एक साथ 9 पार्ट्स की प्लानिंग कर लेना और वो भी तब जब पहले पार्ट भी अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, ऑडियंस का कैसा रिएक्शन आएगा, किस तरह से इस मूवी को देखेंगे लोग और पार्ट्स देखना चाहते हैं, इन सारी चीजों को जाने बगैर कोई भी प्रोड्यूसर 9 पार्ट्स के लिए रेडी नहीं होगा, तो इस बात को मैं अभी नहीं मानता हूँ। जहाँ एक सच ये भी है कि बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है, तो अगर इतने बड़े बड़े रूमर्स आ रहे हैं, मार्केट में रिवॉल्व कर रहे हैं एंड इतने टाइम से चले आ रहे हैं, तो इनका कोई तो बेसलाइन होगा, ऐसे हवा में तो इतने सारे रूमर्स आने नहीं लगेंगे। यहाँ पर इसके जो 8 अलग अलग चिरंजीवी और 15 अलग अलग कैमियोस की बातें सुनने को मिल रही हैं, यहां से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देखो इतना बड़ा जो एक डिसीजन होता है ना, 15 बड़े बड़े कैमियोस कराना, ये आम बात नहीं होता है। अगर मेकर्स 15 एक्टर्स को इस मूवी में कैमियो करा रहे हैं और वो भी सारे एक से बढ़कर के एक लेजेंडरी एक्टर्स का कैमियो करा रहे हैं, तो इन सारे एक्टर्स के फैंस इस मूवी को देखने आएंगे एंड अपने फेवरेट कैरेक्टर को इस मूवी में देखना चाहेंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि इतने लंबे कास्ट को, इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेप्थनेस के साथ, प्रॉपर डिटेल के साथ एक मूवी में दिखा पाना मुमकिन ही नहीं है। यहां मेकर्स ऐसा भी कर सकते हैं कि कल की मूवी में सारे बड़े बड़े कैमियोज करा दिए एंड उसके बाद सारे अलग अलग कैरेक्टर्स पर प्रॉपर स्पिन ऑफ मूवी बना दें। लाइक एक बार सोच करके देखो, विजुलाइज करके देखो, हनुमान जी पर एक स्पिन ऑफ मूवी आ रही है, उसके बाद परशुराम जी पर एक स्पिन ऑफ मूवी आ रही है और जितने भी ये सारे नाम मैंने लिए हैं वीडियोस में, सब पर एक प्रॉपर स्पिन ऑफ सीरीज बनाया जाए, भाई सोच करके ही गूज़बम्स आ जा रहे हैं। तो एक बार सोच करके देखो, अगर सच में मेकर्स का इतना हेवी प्लान हो, इतना बड़ा प्लान हो इस मूवी को लेकर के, इसको एक प्रॉपर सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाने का वो लोग सोच ले, भाई थिएटर्स फट जाएंगे। डिज्नी, मार्वल कौन है भाई, इसके सामने कोई नहीं टिकेगा। क्योंकि जहां तक मुझे समझ में आता है, हिंदू मैथोलॉजी के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा डेप्थनेस है। आप उनकी कहानियों को समझने जाओगे ना, एक के नीचे एक, परत के नीचे परत के नीचे, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थनेस में जाकर के इन सारी मूवीज को बनाया जा सकता है, बहुत छोटे छोटे डिटेल्स पर फोकस करके बनाया जा सकता है। और अगर ऐसा सच में ये मेकर्स करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो भाई ये मूवी जो एक यूनिवर्स बन जाएगा या फिर सीरीज बोल लो, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल भी हो जाएगा। बट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि आदि पुरुष वाला मजाक फिर से मत करना ऑडियंस के साथ, भाई इस बार पटक पटक के पीटेगी मेकर्स को, ऐसा कुछ गलती हुआ तो होपफुली ऐसा कुछ ना हो। लेट्स सी मूवी कैसी होती है। तुम लोग कमेंट करके बताओ इस मूवी से रिलेटेड तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मिलता हूं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।